बात क्या है, क्या मिथुन दिखा पाएंगे उनका हटके डांस फिर से। आजकल कहां नहीं चलता है रिमेक्स का ट्रेंड, हर कोई फिल्म में रिमेक देखने मिलता है, चाहे वो स्टोरी हो, पूरी की पूरी फिल्म हो या फिर फिल्म के सॉन्ग हो। स्टार्टिंग में जब इस चीज का ट्रेंड निकला था तब लोग सब क्रेजी हो गए थे इस चीज के पीछे, पर अब लोगों को शायद थोड़ा सा बोर होने लगा है क्योंकि रिमेक के चक्कर में कभी कभी चीजें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है आजकल, और तो रिमेक करने का भी एक स्टाइल रहता है। तब गोलमाल में तो पुराने सॉन्ग्स रिमेक रहे ही है, तो देखते हैं इस बार क्या होगा। तो दोस्तों बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है, आज मैं आपकी हूँ सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म गोलमाल 5 के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब गोलमाल का 5th पार्ट आने जा रहा है और न जाने टोटल कितने पार्ट होंगे, बट आखिर में इस फिल्म के कॉमेडी से सब खुशी होंगे। और वैसे भी कास्ट तो सेम ही रहने वाली है, बट हीरोइन और विलन कौन होगा और प्लॉट लाइन क्या होगी ये सब फिलहाल कन्फर्म नहीं है, बट जल्दी ही होगा बिकॉज रोहित शेट्टी की कुछ फिल्में दूसरे स्टार्स के साथ आ रही है और बाकी की कास्ट भी अपने अपने प्रोजेक्ट में काफी बिजी है। फिर ये दावा है कि एक्शन पैक और फुल ऑन कॉमेडी फिल्म होने वाली है ये। अब हर गोलमाल के पार्ट में अलग अलग ही चीजें और फन दिखाया गया है, इनफैक्ट सभी का कंसेप्ट भी काफी अलग रहा है और हर फिल्म ने एक अलग ही सोशल मैसेज देने का ट्राई किया है। और तो इस 5th पार्ट के पहले जो पार्ट रिलीज हुआ था उसके लिए सब बोलते हैं कि ये फिल्म गोलमाल के सीरीज में नहीं आती है, बट इसका कॉमेडी भी उतना ही फन था। मेरा सबसे बेस्ट पार्ट था हॉरर पार्ट जो काफी हटके था, जिसमें कॉमेडी टच काफी अच्छा लग रहा था। मेरा 5th पार्ट के लिए सभी लोग चाहते हैं कि ओरिजिनल गोलमाल सीरीज के जैसे स्टोरीज हो और फन हो, तो क्या लगता है आपको किस टाइप की फिल्म बनेगी है? अब जैसे कि मिथुन का फेमस डिस्को डांस का रिमेक भी दिखाया गया था और तो 4th पार्ट में भी एक सॉन्ग का रिमेक था, तो क्या लगता है 5th पार्ट में भी सॉन्ग का रिमेक होने वाला है? अब ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड हो गया है सॉन्ग का रिमेक लाना गोलमाल सीरीज में और बाकी सभी फिल्मों में भी। अब फिर से एक बार और रिमेक का जलवा दिखाएंगे, तो देखते हैं ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होता है इस बार। आज के लिए बस इतना ही, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हम फिर लौटेंगे इतनी अपडेट के साथ, थैंक यू।